Hi, this is me, Talha Siddiq, and I welcome you all to another tech episode on WordPress free SEO course. आज हम लोग के पास जो टॉपिक है वो है हाउ टू क्रिएट पोस्ट WordPress पोस्ट फुली एक्सप्लेन्ड। चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर देना, गंदे बच्चों सब्सक्राइब कर दिया करो। खैर पोस्ट पे जाओ, ठीक है। पोस्ट के ऊपर जाने के बाद यहाँ पे जाओ एड न्यू पोस्ट। ये मैंने तुम लोगों को वैसे भी सिखाया था, पोस्ट तुम लोगों को वैसे भी आ जाएगा जब तुम वर्डप्रेस का डैशबोर्ड एक्सप्लोर करोगे, ठीक है। अब इस इधर जो है तुम्हारा टाइटल है, ये तुम्हारा बॉडी है और इसके नीचे आता है फुटर। तो जिससे मेरी वीडियो नहीं देखी, हमने एक कंप्लीट वीडियो बनाई है, एक घंटे का लेक्चर है जिसके अंदर पूरी जॉब वेबसाइट मैंने आपको क्रिएट करके दी है। एक वो वीडियो, उसके बाद वाली वीडियो, दो वीडियोस जिसने देख लिए ना उसको सारी चीज़ें समझ में आ जाएगी। मुझे आप लोगों को पोस्ट की SEO सिखानी है तो इट्स ऑन आर लिस्ट और बहुत जल्द आ जाएगी। तो आज आप लोगों ने सीख लिया, ये बिगनर टू एडवांस सीरीज चल रही है। यहाँ पे ना मुझे मतलब बच्चों की तरह एक एक चीज़ आप लोगों को समझानी भी है, और दो लोगों के लिए, दो जज्बाती लोगों के लिए जिनको चाहिए थी ना, सर अभी निच बताएं, अभी एडसेंस मोनेटाइज हो, अभी कंटेंट आए, वो मैंने यूट्यूब के ऊपर पहले से ही एक एक घंटे के लेक्चर डाल दिए। तो जिसको ये सब चीज़ें नहीं सीखनी वो देख ले, और जिसको ये सीखना है, मतलब जो फीमेल्स हैं जो वर्डप्रेस की तरफ, वैसे आए रिकमेंड के वर्डप्रेस is actually made for females. भाई जितनी भी पाकिस्तान की खातून हैं, ख़वातीन हैं, मेरी बहनें हैं, मेरी आंटियाँ हैं, ठीक है, तो जितनी भी हैं वो इस चीज़ को सीखें, क्योंकि ये ड्रैग एंड ड्रॉप बिल्डर्स होते हैं। इन यहाँ पर आप लोगों को काम आना चाहिए, एटलीस्ट वर्डप्रेस आना चाहिए। कोडिंग शोडिंग छोड़ दो, कोडिंग शोडिंग काम है मर्दों का, वो मर्द सारे देख लेंगे, छोड़ो वो सारी चीज़ें। आप लोग इधर आओ, यू फीमेल्स के अंदर नेचर ने डिज़ाइन सेंस बहुत अच्छे रखे हैं, मतलब जिनसे मैं आज तक मिला हूँ, या कभी कुछ भी एक्सचेंज ऑफ व्यूज़, एक्सचेंज ऑफ टॉक वगैरह, या कुछ भी हम लोग कहीं पे जाके बैठे बात हुई, कुछ भी हुआ है यूनिवर्सिटी में मिला हूँ, तो उनकी जो ये कॉग्निटिव थिंकिंग स्किल्स है ना वो बहुत ज़्यादा हाईलाइटेड होती हैं थ्रू नेचर, ठीक है। तो आप लोग जो है ये वर्डप्रेस के जितने भी ड्रैग एंड ड्रॉप बिल्डर्स हैं इसको ज़रा एक्सप्लोर करें, और एक ड्रैग एंड ड्रॉप बिल्डर्स को मास्टर करें। भाई आप लोगों को एलिमेंटर अगर आता है, आपको WP VV बिल्डर सीखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अगर आपको एलिमेंटर आता है तो आपको क्या कहते हैं वो DV थीम जो है, DV थीम पेज बिल्डर है, वो सीखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। एक चीज़ को आप पहले एक्सपर्ट कर लें, फिर आपको थोड़ा थोड़ा भी अगर कुछ आता होगा ना आप कर लेंगे उसमें कुछ ना। तो आज मैंने आप लोगों को सिखा दिया ऐसे पोस्ट होता है, ठीक है। पोस्ट के ऊपर जो है ये स्टेटस है, ड्राफ्ट है, तो आप जब यहाँ से पब्लिश करना चाहें इसको पब्लिश कर दें। लिंक, ये आपका स्लग होता है, स्लग हम कहते हैं URL, जैसे जो इस पोस्ट का URL होगा। जैसे अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ तलहा इज अ हैंडसम बॉय, ठीक है, तलहा इज अ हैंडसम बॉय, तो अब इसका जो URL बनेगा वो यहाँ पे बनेगा, ठीक है। देखो अभी मैं आप लोगों को बना के दिखाता हूँ, यह मैंने सिर्फ क्लिक किया है। भाई देखो tala-is-a-handsome-boy। दूसरी चीज़, अपने डोमेन नेम्स के अंदर कभी भी आप लोगों ने हाइफन नहीं लेने, जैसे अभी देखो tala-siddiq.pk, और अगर मैं इसको tala-siddiq.pk, क्यों? क्योंकि गूगल की तरफ से ये जो हाइफन होता है ना, ये हाइफन डेडिकेट करता है किसी कैटेगरी को, या फिर इस डोमेन नेम के बाद कोई ना कोई URL को, पोस्ट URL, कैटेगरीज, इस तरह से, ठीक है। तो जब आप कोई भी डोमेन नेम इस तरह से ले लेते हो ना, फिर उसके बाद क्या होता है, अब जैसे यहाँ पे तुम लोग देखो, मैं दोनों चीज़ें तुम लोग को यहाँ पे एक्सप्लेन करता हूँ। ये आ गया, ये आ गया। अब ये वाली चीज़ कभी भी रैंक, ये वाली जो चीज़ है ना, ये मुश्किल से रैंक होगी। क्यों मुश्किल से रैंक होगी? क्योंकि इधर हाइफ़न है, आपके डोमेन नेम में कोई हाइफ़न नहीं है, इधर डोमेन नेम में भी हाइफ़न है और इधर भी हाइफ़न है, तो स्पेशल करेक्टर्स अगर आपके डोमेन नेम में होंगे तो ये रैंक नहीं करते। ये गूगल का स्ट्रेट जो है एल्गोरिथम है, स्ट्रेट उनके रैंकिंग सिग्नल्स में है, रैंकिंग फैक्टर्स में है। तो आप कोशिश करो जब भी डोमेन नेम लो उसके अंदर कोई भी डैश या स्पेशल करेक्टर नहीं होना चाहिए, जैसे फॉर एग्जाम्पल tala-siddiq.pk नहीं होना चाहिए, ठीक है। इट शुड बी अ नेम कि आपका पूरा नाम विदाउट एनी स्पेस, tala-siddiq.pk भी नहीं होना चाहिए, एनी स्पेशल करेक्टर, एनी स्पेशल करेक्टर में फुल स्टॉप, एंगल ब्रैकेट्स, इन्वर्टेड कॉमास, ओपन क्लोज कॉमा, सिंपल कॉमास, ये वो हर चीज़ आ जाती है, ठीक है। तो कोई भी चीज़ आपने नहीं लेनी, वरना फिर आपका आगे चल के मसला बन सकता है।
उसके बाद ऑथर जो है मैं ही हूँ, अगर आपका कोई और है तो आप यहाँ से चूज कर सकते हैं, ठीक है। और ऑथर जो है उसके ऊपर मैं आपको बाद में बताऊंगा किस तरीके से होता है। डिफॉल्ट टेम्पलेट, टेम्पलेट जी हमने डिफॉल्ट ही रखना है। एलिमेंट है कैनवस रखना है, एलिमेंट है फुल विद अगनेट थीम। मैं वैसे जो हूँ एलिमेंटर कैनवस या एलिमेंटर फुल विथ के ऊपर जाता हूँ, ठीक है। जब मुझे कोई पेजेस बनाने होते तो मैं फुल विथ, और अगर कोई जिसके ऊपर हेडर फुटर में शो करना है तो एलिमेंटर कैनवस। डिस्कशन ओपन, अच्छा अगर मैं इसको क्लोज करता हूँ, मैंने आपको पहले भी बताया था ये कमेंट्स के लिए होता है, तो यहाँ पे फिर कोई कमेंट नहीं कर पाएगा इस पोस्ट के ऊपर। फिर ये फॉर्मेट है, ये स्टिकी है। स्टिकी पोस्ट का मतलब ये होता है कि आप जितना भी स्क्रॉल कर लोगे ये पोस्ट ऊपर ही रहेगा, टॉप पे ही रहेगा, ठीक है। उसके बाद आप यहाँ से कोई भी कैटेगरी को सिलेक्ट कर सकते हो, जैसे इस वाई इंजीनियरिंग जॉब्स को हम कर लेते हैं। उसके बाद आ जाते हैं टैग्स। टैग्स आप लोग चैट जीपीटी से जनरेट कर लो, गूगल से उठा लो, जहाँ मर्जी से उठा लो, ठीक है। इससे कोई इतना ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वी आर नॉट एक्चुअली इंडेक्सिंग आर टैग्स। टैग्स कभी भी इंडेक्स नहीं होते, टैग्स सिर्फ सर्चिंग में आते हैं लेकिन इंडेक्स नहीं होते। तो robot.txt में हम डायरेक्ट डिसअलाउ कर देते हैं टैग्स को। उसके बाद लाइट स्पीड ऑप्शन है, ये तो प्लगइन के हिसाब से आपके पास आएगा। अच्छा लेआउट, यहां से आप कंट्रोल कर सकते हो कि आपका जब ये पोस्ट खुलेगा तो उसका लेआउट कैसे हो, क्या उसमें राइट साइड बार होना, क्या उसमें लेफ्ट साइड बार होना चाहिए, क्या उसके अंदर नो साइड बार होना चाहिए, क्या बोथ साइड बार होने चाहिए, बोथ साइड बार ऑन लेफ्ट होने चाहिए, या बोथ साइड बार ऑन राइट होने चाहिए। तो ये आपके पास सारे ऑप्शन थीम के ऊपर डिपेंड करता है कि थीम कौन से ऑप्शन आपको देती है, ठीक है। एस्ट्रा की थीम्स जो है आपको दो ऑप्शन देती हैं कि आपके दो साइड बार भी हो सकते हैं, आपके राइट पे भी दो साइड बार हो सकते हैं, आपके नो साइड बार भी हो सकते हैं, राइट लेफ्ट दोनों पे साइड बार हो सकता है। तो अगर कोई एडसेंस में वाकई कोई पैसा बनाना चाहता है तो वो दोनों जगह साइड बार यूज करेगा और दोनों साइड बार के ऊपर ऐड लगाएगा। जब हम ऐड लगाएंगे मैं आप लोगों को सिखा दूंगा किस तरीके से ऐड लगती है। उसके बाद जी फुटर विजेट, फुटर विजेट्स ये जो है ना 1, 2, 3 जो आपको नजर आ रहा है ये एक्चुअल में फुटर के कॉलम्स है। मतलब एक जैसे ये फुटर है, ये आपका फुटर है, इसके में ये आ गया विजेट 4, ये विजेट 3, विजेट 2, विजेट 1, विजेट 0, ऐसे। तो आप जो जो यहाँ से चूज करते जाओगे, जैसे 1 विजेट है तो सिर्फ तलहा शो होगा फुटर में, 2 विजेट्स है तो सिर्फ तलहा इस शो होगा, फिर उसके बाद विजेट 3 है तो फिर तलहा इस शो होगा, विजेट 4 है तो ये सारा कुछ फुटर में शो होगा, ठीक है। फुटर आपका नीचे होता है और हेडर आपका ऊपर है, ये सारा हेडर एरिया है और नीचे जो होगा ना ये बॉडी कंटेंट, बॉडी कंटेंट के नीचे जो लास्ट में एरिया आता है उसको कहते हैं फुटर। अच्छा इसके बाद आप जो ब्लॉक हैं, ब्लॉक के अंदर भी बहुत सारे चेंजेस कर सकते हैं, जैसे कि इधर आप ब्लॉक पे जाएंगे, यहाँ पे टेक्स्ट है, टेक्स्ट के कलर्स चेंज कर सकते हैं, जैसे मैं ब्लू कर दूं तो ब्लू हो जाएगा। बैकग्राउंड ऑफ टेक्स्ट बॉडी ये आप भी चेंज कर सकते हैं, ये ब्लैक ग्रे हो गया, ठीक है। उसके बाद टाइपोग्राफी, टाइपोग्राफी आपका जो होता है वो होता है फॉन्ट साइज, ठीक है, फॉन्ट साइज। अब इधर दो ऑप्शंस हैं, या तो आप यहाँ से मीडियम लार्ज एक्सेल यूज कर लें, या फिर यहाँ पे आप अपने कस्टम पिक्सल्स यूज कर लें, ठीक है, कस्टम पिक्सल्स यूज कर लें। वैसे फॉन्ट साइज के लिए आई विल ऑलवेज रिकमेंड कि आप पिक्सल यूज करो, ठीक है, पिक्सल्स आप यूज करो, और EM जो है वो आप यूज करो लाइन ब्रेक्स के लिए, ठीक है। उसके बाद ये आ जाता है HTML एंकर। HTML एंकर जैसे कि अब इस पोस्ट को मैं कोई ना कोई एंटर अ वर्ड और टू विदाउट स्पेसेस टू मेक अ यूनिक वेब एड्रेस जस्ट फॉर द ब्लॉक कॉल्ड एन एंकर। अच्छा अब ये जो एंकर जो है ये इस पूरे ब्लॉक पे लग जाएगा, जैसे ये इस वक्त ब्लॉक है, ठीक है। अगर आप यहाँ पे जाओ ये आपको प्लस का नजर आ रहा है आइकन, यहाँ पे एड ब्लॉक का ऑप्शन है, तो ये सारे जो है ब्लॉक्स हैं। तो जो आप लिंक यहाँ पे लगाओगे, इधर जो भी लिंक दोगे वो इस ब्लॉक के ऊपर अप्लाई हो जाएगा। मतलब कोई गलती से आके भी इस ब्लॉक के ऊपर क्लिक करता है तो वो रीडायरेक्ट हो जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल ये आ गई, ठीक है, यहाँ पे हम गए HTML एंकर, HTML एंकर के बाद तलहा सिद्दीक डॉट पीके, ठीक है, दैट्स इट। ये इस वक्त जो है हमारा HTML एंकर लग चुका है। तो आई होप दिस वॉज ऑल अबाउट अ पोस्ट। पोस्ट के बारे में हमने बहुत इन डेप्थ इन डिटेल में शुरू से लेकर एंड तक हर चीज़ सीखी है। कोई चीज़ रह गई हो तो मैं माजत खाऊँ, मिलता हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो लॉग से। गंदे बच्चों सब्सक्राइब मार दो, 2,500 सब्सक्राइबर हैं सिर्फ मेरे इस चैनल के ऊपर। तुम लोग ना डीमोटिवेट कर देते हो फिर बच्चा भाग जाएगा यहाँ से, बच्चा किसी और चैनल पर लग जाएगा।